सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगर ललिता श्री विशाखानितांस ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्विमीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः नामयं गुरुदेवाय धीमते सममूर्तये श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति प्रभवे श्री महात्मने नामयं विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायणेति नामिने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्ष औदार्य माधुर्य गुणैश्च युक्तं वरं वरनं पुरुष महांतं नारायणं स्तं शिरसा नमामि नामयं विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे श्री श्रीमद् भक्तिवृता प्रज्ञान केशवति नामिने अतिमर्द चरित्राय स्वश्रितानञ्च पालिने जीवदुःखे सदात्राय श्रीनाम प्रेमदायिने नामयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने त्रिवार्षभानुकूले दयिताय कृपाद्वये कृष्णासम्बन्धविज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्यजुगलप्रमाढ श्रीरूपानुगभक्तिदः श्री गौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दिनतारिणे श्रीरूपानुगविभाग सिद्धान्तदन्तहरिणे नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्ते विप्रलम्बरसाम्भवे पादाम्बुजाय नमो भक्तिगुणदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगमराय ते गौराविर्भावमिष्टं निर्दिष्टाश्वजनप्रिय वैष्णवसार्वभौमश्री जगन्नाथाय ते नमः पञ्चाकल्पतनुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वृन्दाय तुलसीदत्तये प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रददेवि सत्यवत्यै नमो नमः जय रां सुरतोर्भगो मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्वपादाम्भजो श्रीराधा दिव्यदृङ्गारण्यकल्पधर्माद श्रीमद्रत्नाकार सिंहासनस्थौ श्री श्रीराधा श्रीलोकगोविन्ददेवो पृष्ठलिभिः सर्वमान स्मरामि श्रीमान् रासरसानभि वंशीवाटतटस्थित कर्षणवेणुसनिलोभिः गोपीनाथ श्रियस्तु न वृन्दाय तुलसीदत्तये प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रददेवि सत्यवत्यै नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे दावनलसम संसार दहनी दग्धजीव कुल उद्धार कारिणी करुणावारिद कृपावारिदनि श्री हरि कीर्तने
Oh,
ठाकुर वैष्णव गणा करे
ज्ञानील प्रेमात्मन करुण प्रचोर ज्ञानील प्रेमात्मन करुण प्रचोर Oh,
राधे जय जय तुम गा दो राधारण आगे बैठे जय जय राधे जय जय Yeah.
हरे कृष्ण ओम ज्ञानतिमिरां दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै यस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्नि गौरद्विषे नमः हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रियाद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे सर्वप्रथम मेरे गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट विष्णु पाद श्रोतर सत श्री श्री श्रीमाद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्मा नित्य लीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्तिवेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को जथा जी को प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। हम लोग पहले श्रवण कर रहे थे जब श्री दक्ष प्रजापति जब उन्होंने 10,000 संतान को सृष्टि की सृष्टि करके उनका आदेश दिया ये संसार का क्रम को बढ़ाओ। अभी उनके बच्चे सबके सब पढ़ाई करने के लिए गए और पढ़ाई करने के लिए जा करके जब उन्हें संसार को सृष्टि को बढ़ाने के लिए जब वो तपस्या करने जा रहे थे अभी भगवत इच्छा से श्री नारद जी का भेंट हो गया। वो तो नारद है, हैं नारद क्या करते हैं झगड़ा लगाते हैं, हाँ झगड़ा नहीं जीव को भव संसार से पार करा देते हैं क्योंकि उनका नाम ही नारद, नर मतलब आसक्ति, द मतलब खंडयति, जीव का सारे आसक्ति को जो खंडन करके जो भगवान के चरण में जो जीवों को लगा दे। बोले देखो तुम लोग संसार करने जा रहे हो, कहते वो लोग कौन है, कहते कहते हरजस्वगण, हरजस्वगण हाँ जो उनको जो बच्चों को जो 10,000 बच्चों को जन्म दिया था, कहते देखो तुम लोग जब तक ये पृथ्वी का अंत कैसे हो हैं, जब तक ये चीज को नहीं समझोगे कि प्रजा सृष्टि कैसे करोगे, अभी तो पृथ्वी का अंत कैसे होगा ये चीज को तो समझो तब तो सृष्टि के क्रम बढ़ाओगे, अभी ये समझ में नहीं आया पृथ्वी अंत कैसे होगा। अंत मतलब क्या है, कहते पृथ्वी मतलब होता है ये देवर्षि का कहते कूट वाक्य है, कूट वाक्य मतलब क्या है वो सुनने के लिए एक लगता है लेकिन और एक अर्थ है, सुनने के लिए तो एक लगता है लेकिन उसका मतलब और कुछ होता है, इसके लोग कहते कूट वाक्य नहीं, कहते देखो पृथ्वी का अंत ये अंत कैसे होगा, भू माने पृथ्वी, भू माने होता है क्षेत्र, और ये तल क्षेत्र मतलब होता है क्षेत्र का मतलब जीव, कहते ये जीव का अंत कैसे होगा, अंत मतलब ये समाप्त कैसे होगा, समाप्त मतलब ये जो हम भगवान को अनादिकाल से भूल करके ये जन्म मृत्यु का चक्कर में हम पड़े हुए 14 ब्रह्मांड 84 लक्ष योनि में भटक रहे हैं, लेकिन ये जीव कौन है,
जीवे स्वरूप हाई कृष्ण रे नित्य दास, हम सब के सब भगवान के नित्य दासी है। लेकिन हम लोग ये असत कर्म मार्ग में भ्रमण कर रहे हैं, जैसे इसी जीवन में कर्म किया, फिर कर्मों को लेकर फिर दूसरे जीवन में जाते हैं, दूसरे जीवन में कर्म किया फिर तीसरे जीवन में जाते हैं, तीसरे जीवन में कर्म किया फिर हम चौथे जन्म में जाते हैं, ऐसे ही संसार में हम भटक रहे हैं, फिर हमारे अंत कब होगा? ये जो भ्रमण है ये समाप्त कब होगा? बोले तभी ये समाप्त होगा, इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन जत गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम, जिस धाम को जीव जाने पर फिर इसी संसार में दोबारा उसका आना नहीं पड़ता है, वो भगवान की वैकुंठ धाम है, भगवान की गोलोक वृंदावन धाम है, जहाँ जाने से जीव कभी संसार में नहीं आएगा, इसलिए तभी जीव का अंत होगा। लेकिन उसको पहले जीव का अंत नहीं, वही दुख कष्ट जन्म मृत्यु जरा दुख कष्ट में हम भोग करते रहेंगे। इसलिए पहले तो नारद जी पहले तो ये चीज को समझो, हैं ये चीज को तो समझो पहले, बिना समझे तुम संसार करने जा रहे हो तो फंस जाओगे वहां पर। तब तो उन्होंने 10 प्रश्न किया, हम पहले थोड़ी थोड़ी हम लोगों ने श्रवण किया था, हैं श्रवण किया था। उनका जो पहला प्रश्न है एकटी मात्र पुरुष विशिष्ट राष्ट्र, कहते ऐसे कौन सा राष्ट्र है जिसमें केवल एक ही पुरुष है, दो पुरुष वहां है नहीं, केवल वहां पर ऐसे कौन सा राष्ट्र जिसमें एक पुरुष है, हैं एकमात्र पुरुष, कहते वो कौन है? बोले ये भगवान है, ये भगवान कृष्ण, इसलिए जगत में केवल पुरुष कृष्ण, जगत में सबके सब प्रकृति है, जगत में सबके सब प्रकृति, जगत में कोई पुरुष है नहीं, है जीव शक्ति से ही प्रकट होता है। इसलिए हम लोग जो भजन करना चाहते किस रूप में? गोपी भाव से, हाँ गोपियां जैसे कृष्ण को भजन की, हम भी गोपी भाव से भजन करना चाहते हैं, इसलिए जगत में पुरुष एकमात्र कृष्ण है और जगत में सबके सब स्त्री है, जगत सब शक्ति है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कहते वो कौन है? बोले सर्व साखी, कहते ये साखी रूप में, कहते ना एक टहनिया में दो चिड़िया दो तोता बैठा हुआ, कहते एक तोता तो खट्टा मीठा फल खा रहा है, कहते वो कौन है? बोले हम है, खट्टा मतलब कभी संसार में दुखी, मीठा मतलब कभी संसार में सुख आ जाए, दुखी सुख सुख दुख दुख सुख, लेकिन साखी रूप में कौन दर्शन करता है? लेकिन एक चिड़िया तोता वो कुछ फल नहीं खा रहा है, वो केवल बैठ करके देख रहा है, ये जीव कैसे मेरे को भूल करके अपने आप को कर्ता मान करके कैसे ये संसार में ये दुख कष्ट में कैसे जीव पड़ा हुआ है। इसलिए कहते एकमात्र साखी पुरुष भगवान कृष्ण है। कहते वो कौन है? कहते ये सड़ ऐश्वर्य पूर्ण, जिनके अंदर में 6 ऐश्वर्य है। क्या क्या बोलो 6 ऐश्वर्य? बोलो राधारमण, दो राधारमण बोलो। 6 ऐश्वर्य क्या है? संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण वैराग्य, संपूर्ण बल, संपूर्ण सौंदर्य, संपूर्ण संपूर्ण सौंदर्य। अच्छा हाँ, इधर उस श्लोक को भी याद कर लेना, ठीक है ना? संपूर्ण और वैराग्य, संपूर्ण वैराग्य। हाँ ये वैराग्य, हाँ कहते भगवान के अंदर में एक श्लोक, इसको याद कर लेना, ठीक है? इसलिए एक श्लोक याद कर लोगे कृष्ण के अंदर में ये 6 ऐश्वर्य, बोले थोड़ी मोड़ी नहीं, कहते पूर्ण रूप में जिनको अंदर में ये 6 ऐश्वर्य हो तब उसको भगवान कहेंगे। जिसको तो इसको भगवान हम बोल नहीं सकते, अमुक भगवान, साईं बाबा भगवान, ये भगवान वो भगवान, पता नहीं जैसे है। इसलिए कोई भगवान भगवान सब कोई नहीं, भगवान तो हमारे कृष्ण भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसलिए कहते सड़ ऐश्वर्य पूर्ण, कहते वो कौन है? कहते स्वराट। वो कौन है? स्वराट मतलब क्या होता है बोलो? स्वराट मतलब क्या होता है? हाँ स्वराट का डेफिनेशन क्या है, क्या है बोलो? इसलिए कहते वो स्वराट है, बोले स्वयं विराजते, इसका मतलब है जो किसकी बिना मदद लेते हुए जो परिपूर्ण रूप में जो विद्यमान है। इसलिए सिर्फ रूपों को सुना में उदाहरण देते हैं, जैसे एक संख्या है, एक संख्या के स्वराट,
वो किसी संख्या का मदद नहीं लेता है, लेकिन जब दो बोलो एक एक मिल करके दो होगा, जब तीन बोलो दो एक मिल करके तीन होगा, जब चार बोलो दो दो मिलकर चार होगा। इसलिए दूसरा जो संख्या है वो बगैर संख्या के मदद के नहीं पूरा हो सकता, लेकिन जब एक बोलो ना वो किसका मदद नहीं लेता। इसी स्वराग मतलब होता है बिना मदद लिए हुए हैं, अनन्य पेक्षम जत रूपम स्वयं रूपम सोचते हैं। इसलिए कहते जो किसी का मदद लिए बगैर जो पूर्ण। इसलिए श्री जीव गोस्वामी हरिनाम व्रत व्याकरण में उदाहरण देते हैं, जैसे अ किसका मदद नहीं लेता, इसलिए इनका नाम उन्होंने जो अ आ ई उ री 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 व औ, हाँ इसको उन्हें उदाहरण इनका नाम दिया सर्वेश्वर। हाँ लेकिन क से लेकर ख्य तक जब उदाहरण देते ये कौन है, कौन है विष्णु जन। विष्णु जन मतलब जो विष्णुओं का जन जो वैष्णव है, हैं। लेकिन यह अ से लेकर के औ तक इसने जैसे अ आ ई ई उ उ री री ये किसका मदद नहीं लेता है, सर्वेश्वर है, हाँ सबका ईश्वर ही है। लेकिन जब का बोलो ना, लेकिन इसे आ आता है, आ के बगैर क उच्चारण नहीं होगा, खा लेकिन जब खा बोलो आ के बगैर खा उच्चारण ग, ये आ के बगैर ग नहीं होगा। इसलिए विष्णु जन मतलब जो भगवान की अधीन में जो रहते हैं, विष्णु जन जो वैष्णव लोग जैसे हम लोग है। इसलिए यहाँ पर कहते कहते वो एकटी मात्र पुरुष कौन है, कहती है कृष्ण जो स्वराट है और नित्य माया मुक्त, जो हर समय ये माया से मुक्त है। और वो कौन है, बोले ये परतत्व है, ये परतत्व है। इसलिए इसलिए श्री उद्धव जी कहते हैं, क्या कहते हैं उद्धव जी है, स्वयं तो असमात्य त्रय त्रिधिस्य समस्त लक्ष्मण काम समस्त काम और बलिर हरत वीर चिर लोकपाल किरीट कोटि इद पाद पीठ। इसलिए श्री उद्धव जी कहते हैं ये कौन है, हैं कहते स्वराज लक्ष्मात समस्त काम, इसलिए जो सर्व कारण का कारण है, हैं कहते ये भगवान कौन है, ये परतत्व। लेकिन उनको नहीं जान करके इस जो भगवान है इनको नहीं जान करके जो कर्म करते वो कर्म असत है, हैं भगवान को छोड़ करके ठाकुर जी को छोड़ करके अगर हम कोई कर्म करेंगे मैं और मेरा ये भाव रख करके, कहते इसको द्वारा किया होगा बोले इसका कोई फल नहीं, बल्कि संसार चक्र में हम भटकते रहेंगे संसार में। इसलिए ताकि प्राप्त होले भव बंधन के मुक्त है, जब ऐसे जो भगवान का जो एकमात्र पुरुष भगवान जब जीव उनको जान ले ना बस काम नहीं है, भगवान को अगर जान लिया तो संसार चक्र से जीव मुक्त हो जाएगा। इसलिए कहते एकमात्र पुरुष भगवान कृष्ण है, उनको अगर कोई जान लिया भजन कर लिया तो बस तुम्हारे जीवन में सब कुछ जानना हो गया, कहते इनका पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है बोले निर्गम निरपथ शून्य गर्त, कहते ऐसे कौन सा गर्त, गर्त समझते बिल, कहते ऐसे कौन सा बिल है जिस बिल में एक बार घुस जाओ तो निकल नहीं पाओगे, हाँ ऐसे कौन सा बिल। यहाँ पर दो बात बताए हैं, इसमें जो मूल में जो बता रहे हैं, जो मूल में जो बात बताए इसको कहते ऐसे कौन सा बिल जिसमें घुस जाओ निकल नहीं पाओगे, ये बिल है कहते भगवान का धाम, ठाकुर जी का धाम है। इसलिए कृष्ण कहते ना जत गत्वा न निवर्तन्ते, हे अर्जुन आप ब्रह्म भुवन लोकात पुनरावर्तिन अर्जुन माम उपदूत कौन्तेय पुनर्जन्म न बीतते। इसका मतलब है अगर ये जगत का शुभ अशुभ कर्म करेंगे उसको द्वारा क्या होगा, स्वर्ग मोह जन तप सत्य ब्रह्म लोक तो प्राप्त होगा, लेकिन खिन्न पुण्यम वर्तलोक विसर, इसका पुण्य खत्म होते फिर इसी जगत में आना पड़ेगा, फिर ये संसार का चक्र में भटकना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई भगवान को प्राप्त कर ले माम उपतुत, मतलब अगर कोई मेरे को कोई प्राप्त कर ले, अगर मेरे मेरे कोई भजन करे, अगर जीव अगर मुझे प्राप्त कर लेना बोले पुनर्जन्म न बीते तो फिर जगत में पुनर्जन्म नहीं होगा। इसलिए ये एक गर्त है, बील है, मतलब जहाँ जाने से भगवान का धाम में जाने से
कभी ये जगत में जीव आना नहीं पड़ेगा। कहते ये एक बिल्कुल, दूसरा कहते हैं कि ऐसे कौन सा भी अगर प्रभु के पास में गए तो नहीं, लेकिन अगर माया के चक्कर में फंस गए फिर तो ये संसार ऐसे है जिसमें एक बार घुस जाओगे फिर निकल नहीं पाओगे। इस संसार से घर गृह से निकलने जितना कोशिश करोगे हैं इससे निकलने के लिए, बस बेटा को शादी दे देंगे तो हो गया, बस जब से बेटे को शादी दिया तब से ज्यादा बंधन बढ़ गया, फिर घर से बहू को छोड़कर जा नहीं सकते, फिर नाती पोती हो गए, फिर इनकी हैं इनकी चक्कर में। इसलिए आप जितना कोशिश करोगे ना संसार से निकलने के लिए हैं, बेटी को शादी दे देते पर शायद हम खुशी हो जाएंगे, लेकिन घर में ससुर घर में जाकर लड़ाई झगड़ा हो गया करके फिर बेटी घर में आ गई, बेटी हैं घर में बैठी। इसी संसार में आप जितने कोशिश करो ये संसार से हम कैसे जल्दी से जल्दी संसार से निकल जाए, आप देखना जितने निकलने जाओगे, जैसे हाथी है ना, जैसे मिट्टी होता है ना दलदल जैसे होता है, हाथी जितना कोशिश करता है निकलने के लिए वो उतना जैसे दलदल में फंस जाता है, ये संसार में ठीक वैसे है। जितने और कोशिश करोगे जितने अनासक्त हो सके जितने, लेकिन देखोगे जितना उम्र हो जाता है ना आप देखोगे खुद देखना ज्यादा आसक्ति हो जाता है और ज्यादा आसक्ति हो जाता है, जितनी उम्र होती जाती है हैं इतना आसक्ति होती जाती है माया में आसक्ति हो जाती है। कहते ये संसार रूपी बिल है, जिस बिल में एक बार घुस जाओ तो जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता है। ये दूसरा अर्थ है, दूसरा क्वेश्चन प्रश्न है। और तीसरा है कहते बहुरूपा स्त्री, कहते ये बहुरूपा स्त्री जो स्त्री तरह तरह का रूप धारण करती है, ऐसे कौन है जो बहुरूपा स्त्री, का तात्पर्य है कहते ये बुद्धि, ये हमारी बुद्धि, ये व्यभिचारिणी, इसको उदाहरण दिया ये व्यभिचारिणी। कहते व्यभिचारिणी किसको कहते हैं, व्यभिचारिणी समझते हो असती है, जो सती नारी नहीं जो असती, हम असती किसको कहते हैं जो अपना पति को छोड़ करके किसी दूसरे पुरुष के पास में जाते हैं उसको हम असती कहते हैं, उसको व्यभिचारिणी बताया गया। कहते ये कौन, ये बुद्धि ये मन है, इसलिए भागवत में बताया जीवा असती दार दुर्ग एव सुत न च उपगायन्ति उरुगाया गता। यहाँ पर उदाहरण देते हैं ये जीवा को क्या बताई है असती है, असती क्यों, ये सती नहीं बल्कि सती क्यों, सती कौन है जो अपना पति की सेवा करे, असती कौन जो पति को छोड़कर दूसरों के पास में जाए असती। अगर ये जीवा अगर भगवान क्या गुण कीर्तन करता है, ठाकुर जी हमारे पति तो वही है, तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु सखा तुम्हें तुम्हें विद्या द्रविण तुम्हें सर्वम, भगवान हमारे सब कुछ है, वही पति वही हमारी माता पिता वही है, जब हम उन्हीं का ही गुण कीर्तन करें बोले सही सत्य, तो सत्य जब उनकी सेवा करो उनका नाम लो उनकी भक्ति करो सत्य, लेकिन जब हम उनको छोड़ करके और किसकी गुण महिमा को गाते हैं और किसकी सेवा करते हैं फिर हम हो गए असती। ये बुद्धि देखना एक जगह पर नहीं टिकती है, मन एक जगह पर नहीं टिकती है। अब देखो भगवान की भजन में लगाने के लिए सवेरे उठ करके नहा धो करके तिलक लगा करके आच मन करके हम कोशिश करते हैं ठाकुर के सामने बैठ करके हम गुरु मंत्र जप करेंगे हरिनाम करेंगे, लेकिन बस आँख बंद करते मन तो अपना काम में चला गया, इधर हाथ चल रहे हैं मुंह चल रहे, मन मन है नहीं, मन तो और कहीं घूम रहा है, मन तो और कहाँ चला गया, ठाकुर भजन छोड़ करके। इसलिए कहते हैं जो व्यभिचारिणी ये स्त्री जैसे ये मान ये बुद्धि इधर उधर भटकती रहती, इसलिए बहुरूपा स्त्री जो अलग अलग रूपों को जो धारण करती है, कुविषय में उन्मुख गंदी चीज में उसका मन स्वभाव के रूप में जाता है, लेकिन जब भगवान की भजन में लगाने के लिए चाहो ना ये उसमें लगना नहीं चाहते हैं, इसलिए कुविषय उन्मुख न है, इसलिए कृष्ण विषय उन्मुख न है, वो भगवान की भजन में ये मन नहीं लगता है। गुणातीत माने सौंदर्य वैदग्ध व पांडित प्रभुति युक्ता निष्ठाम भद्र व अभद्र ना जानिया
विवेचनारे विवेक द्वारा बुद्धि के कृष्ण करता है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं अरे हमको क्या करनी चाहिए, हमें क्या करनी चाहिए, बोले मन को समझा बुझा करके बुद्धि विवेक पांडित्य को चाहिए, मन को हमें समझानी चाहिए। मन नाम लो तो उनका ही नाम लो, कथा सुनो तो ठाकुर की कथा सुनो, सेवा करना तो ठाकुर की सेवा करो, उसको समझानी चाहिए। इसलिए प्रभुपाद क्या कहते हैं, सवेरे उठ करके अपना जूती लो और मन को सवार पीटो, मतलब ये मन को समझाओ, क्या समझाओ, मन इधर उधर नहीं जाना, इधर उधर नहीं जाना। इसलिए भैया इसलिए हमारे रघुनाथ दास के स्वयं क्या कहते, तेरा पाप बढ़ता है, मन तेरे पाप बढ़ता है भैया, तो इधर उधर मत जाया था करा। इसलिए गुरु गुरु जी की स्मरण करो, गोष्ठे भगवान का धाम का स्मरण करो, गोष्ठा लयसु जितने ब्रजवासियों का स्मरण करो, सुजने जितने भक्तों को गुसुर गणी ब्राह्मण को स्व मंत्री अपना मंत्र को ठीक से जप किया करो, हैं स्व मंत्रे श्री नाम ने ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है इसको नियम करके हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ये मन को भजन में लगा तो मेरे काम बन जाएगा, हैं कभी ये को किया है, कभी ये कभी ये बहुरूपा जो स्त्री है ये अलग अलग समय में अलग अलग रूप धारण करते हुए जो इधर उधर भटकती है, कभी ये बहुरूपा स्त्री है। कभी चौथा प्रश्न है व्यभिचारिणी पति पुरुष, व्यभिचारिणी पति पुरुष तथा एक पुरुष आचे तिने व्यभिचारिणी स्वामी तात्पर्य असत्य भार जरा पति हैले पुरुष है जवान स्वाधीनता नष्ट है। यहाँ पर कह रहे हैं ऐसे जो मान जो व्यभिचारी मतलब अपना पति को छोड़ करके व भगवान को छोड़ करके जो इधर उधर जो भटकती है जो मन है, कहते कहते उसका जो पति है उसका जो पति पुरुष ये कौन है। यहाँ पर कह रहे हैं कहते ऐसे जो व्यभिचारिणी स्वामी तात्पर्य असत्य भार्या, कहते जो स्त्री असत्य है जो स्त्री सत्य नहीं, अगर उसका पति होना है तब पति होने पर क्या होता है, ऐसे जो स्त्री व्यभिचारिणी उसका जो पति जिसकी स्वाधीनता नहीं रहता, इसका मतलब अगर ये मन भगवान को छोड़ करके अगर दूसरे तरफ में मन जाता है ना, मन हमारी स्त्री नहीं रहती, मन हमारी स्त्री नहीं रहती है, मन को कभी उधर भगाते हैं, मन को कभी उधर भगता है, मन कभी उधर भागती है, मन कब इधर भागती है, मन स्त्री स्थिर नहीं रहता है, हैं स्थिर। जो सती नारी क्या करती है, जैसे अपना पति को तन मन सब कुछ देकर सेवा करती है, ये मन जब सती हो जाए क्या करेगा, नाम करेगा तो उनकी भक्ति करेगा तो उनका नाम लेगा तो उनकी सेवा करेगा तो उनकी है उसका आदि में रहेगा। लेकिन जो व्यभिचारिणी हो जाएगी उसका अगर पति बन जाए ना फिर तो गड़बड़ी है। इसलिए काम क्रोध लोभ मोह है ना लैया फिरे नाना स्थान है, कभी ये काम अपना तरफ में खींचता है, क्रोध अपना तरफ में खींच रहा है, लोभ अपना तरफ में खींच रहे हैं। अगर एक वेश्या की अगर पति हो जाए फिर तो क्या होता है, अगर छह छह वेश्या का अगर पति बन जाते भैया, इसलिए हमारे छह छह वेश्या बोले काम काम क्रोध लोभ मोह मदभाव्य ये छह छह विषय छह तरफ में हमें ये छह तरफ में हमें खींच रहे हैं, हैं? इसलिए कि उसको स्वाधीनता नष्ट हो जाता है। फिर उसी तरह बुद्धि संसर्ग जीवे ऐसे जो व्यभिचारिणी जो बुद्धि है अगर उसकी संसर्ग में अगर आ जाए तो क्या होता है, जीव का स्वतंत्रता नष्ट हो जाता है, हैं? जीव की स्वतंत्रता नष्ट हो जाता है। जीव के ना जानिया जे सकल व्यक्ति अन्यत कर्म अनुष्ठान करे ताहर द्वारा की फल है वे। इसलिए जीव का स्वरूप क्या, भगवान के नित्य दास है, हैं भगवान के नित्य दास, अगर उनको ना उसका अगर यह चीज को नहीं जान करके
अनित्य कर्म अनुष्ठान अगर कोई करे हैं, अनित्य कर्म का अगर कोई अनुष्ठान करे तो उसका कोई भी फल प्राप्त नहीं होएगा। उनका जो पंचमन अगर क्वेश्चन है, पंचमन अगर क्वेश्चन क्या है, कहते ऐसे कौन नदी है जो दोनों तरफ में प्रवाहित हो रहे, दोनों तरफ में प्रवाहित होता है, ऐसे कौन सा नदी जो दो तरफ में प्रवाहित हो रहा है, कहते क्या है बोलो। अभी कथा सुनो, उसको बाद में जाने है। कौन क्या है बोले, सृष्टि और प्रलय, सृष्टि और प्रलय, मतलब यही यही बात समझाएगा। सृष्टि और प्रलय, एक तरफ में सृष्टि, दो तरफ में नदी, जो ऐसे कौन सा नदी दो एक साथ में दो तरफ में बहती है, मतलब जब जन्म हो गए फिर क्या हुआ, मृत्यु निश्चित है। धीरे 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 एक साल दो साल तीन साल चार साल धीरे धीरे बढ़ते गए, जितना हम इतने इधर बढ़ते गए उधर उतना कम होते गए। एक साल बढ़ गए मतलब हमारा एक साल परमाय खत्म हो गया, दो साल हो गए मतलब दो साल परमाय खत्म हो गया, तीन साल हो गए मतलब तीन साल परमाय खत्म हो गया, चार साल हो गया चार साल परमाय खत्म हो गया। इसलिए ये सृष्टि और प्रलय, एक तरफ में सृष्टि बढ़ते जा रहे, दूसरे तरफ में प्रलय होते जा रहे, दूसरे तरफ में नष्ट हो जा रहे जन्म और ये मृत्यु है। कहते सही जिन्हें कर प्रलय जिन्हें करे सही मायाई उभय तीर बाहिनी नदी, कहते वही माया ये उभय तीर ये नदी है, लेकिन सबका नदी तो बढ़ते जा रही है लेकिन एक नदी बढ़ती नहीं है घटती नहीं है, एक तरफ में तो बढ़ती है लेकिन दूसरे तरफ घटती है, लेकिन किसका नदी घटती नहीं, किसका परमाय खत्म नहीं होती है। बोले तस्ते जम खणम नहीं तब उत्तम श्लोक वाता है, जो व्यक्ति भगवान का भजन भगवान का नाम भगवान की कथा सुनते हैं, आप लोग बैठे हो यहाँ पर, आपका परमाय नष्ट नहीं हो रहा, आपका परमाय नष्ट नहीं हो रही, क्यों बोले काल का जो काल ठाकुर जी है, चूंकि आप उनकी कथा सुन रहे हो आपका परमाय नष्ट नहीं, ये परमायु भगवान के साथ में जुड़ रहा है, ठाकुर जी के साथ में जुड़ रहा है, हैं? इसलिए ये परमायु उसकी नष्ट नहीं होता है। ऐसे ही यहाँ पर करके 10 प्रश्न है, आज तो हम 5 प्रश्न सुने, कल हम लोग फिर 5 प्रश्न सुनेंगे, आज शाम को आप लोग सब पढ़ कर गया ना रामानुज आचार्य की कथा, बहुत अच्छी अच्छी कथा, बहुत अच्छे अच्छे उनको उपदेश है, आज शाम को सबके सुबह आना, शाम का आना, हाँ इसलिए आज ना, और उनकी बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा है उनके जीवन में हैं, इसलिए शाम को उनकी कथा उनको सुनेंगे। बोले श्री रामानुज आचार्य की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।